नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, आंधी तूफान, वज्रपात, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर आ रही है। वैसे तो इस समय देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम बिगड़ा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश खास रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान एक बार फिर दोस्तों 24 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वहीं दोस्तों बता दें, IMD के द्वारा लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ इस समय सक्रिय है, ऐसे में लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। बारिश की संभावना को देखते हुए IMD ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लखनऊ और आसपास के जिलों में लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दनिश ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है। लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, इटावा, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, उन्नाव, ललितपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों बता दें कि मौसम का ये हाल अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ऐसा ही रहने वाला है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।